हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवा तायल। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी वेब सीरीज जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द न्यू फीचर्स इन जीएसटी, जीएसटी में क्या क्या न्यू फीचर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर निकल के आता है वो है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में चेंज कर दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन की, तो उसमें टैक्सेबल इवेंट सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में अलग अलग थे। जैसे कि अगर बात की जाए एक्साइज की, तो एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चर, यानी आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, यानी आपके ऊपर एक्साइज लागू हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको एक्साइज लगाना पड़ेगा। और अगर बात करें वैट की, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज द टैक्सेबल इवेंट। ये हमारा टैक्सेबल इवेंट था जब वैट था, अब तो खत्म हो गया तो नहीं है। ओके, और बात करते हैं अगर सर्विस टैक्स की, तो सर्विस टैक्स में था सर्विस टू बी प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, यानी अभी या फ्यूचर में, तो जो भी होगा वो टैक्सेबल इवेंट हमारा यहाँ पे माना जाएगा। अब बात आती है, पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है द अकरेंस ऑफ इवेंट विच अट्रैक्ट्स द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स, यानी कि अगर ये इवेंट हो गया, इस इवेंट के होने से क्या होगी, टैक्स की लाइबिलिटी अगर हो जाएगी, यानी आपके ऊपर वो एक्ट लगने लगेगा, तो उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस चीज पे। अब तो बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट जो कहा गया है वो कहा गया है सप्लाई को, यानी वर्ड यूज किया गया सप्लाई। अगर सप्लाई होगी गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों की, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा न्यू फीचर था जीएसटी में। अब बात करते हैं दूसरे फीचर्स की। दूसरा फीचर जो हमारा आता है चेंज इन स्कोप एंड सप्लाई, चेंज इन स्कोप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसमें चेंज कर दिया गया, गुड्स और सर्विसेज के स्कोप में चेंज कर दिया गया। अब एक बात समझिए, गुड्स को तो मैं गुड्स ही बोलूंगा, सर्विसेज को सर्विस बोलूंगा, बट थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें। कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारा जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 119 जो है सीजीएसटी एक्ट का, वो क्या कहता है, वो कहता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो हमारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, देखो लेबर भी होती है और मटेरियल भी होती है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता है, यानी उसमें वो हमें लेबर भी दे रहा है और मटेरियल भी दे रहा है। तो जीएसटी कहता है कि अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मैं उसको क्या मानूंगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानूंगा, यानी मटेरियल को भी सर्विस के अंडर में देखूंगा। ठीक है ना, तो मटेरियल को भी मैंने क्या मान लिया, सर्विस मान लिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज देर आर टू पर्सन, वन इज मिस्टर ए एंड वन इज मिस्टर बी, और मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर बी को कुछ गुड्स ट्रांसफर कर देते हैं फॉर अ कंसिडरेशन और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, बट वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना मैंने वर्ड क्या बोला, कि गुड्स ट्रांसफर किए विदाउट ट्रांसफर इन ओनरशिप, और हो भी सकता है कि ट्रांसफर कर दी गई हो बट फॉर अ कंसिडरेशन। तो इसे भी हमारा एक्ट क्या कहते हैं, जीएसटी एक्ट, कि भाई मैं तो इसको क्या मानूंगा, सर्विसेज ही मानूंगा। तो ये था चेंज इन स्कोप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको इस पे भी क्लियरिटी आ गई होगी। अगला पॉइंट जो हमारे पास निकल के आता है वो है इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। अगर मैं प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। यानी सपोज हम दो स्टेट्स की बात करते हैं, वन इज दिल्ली, सेकेंड इज हरियाणा। ठीक है, तो दिल्ली वाले ने सेल करी हरियाणा वाले को, तो होगा क्या, देखो दिल्ली वाला अपने बिल पे क्या करके देगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगा के देगा ना। लेकिन होगा क्या, जो ये उसने इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया ना इससे, हरियाणा वाले से, तो वो सारा का सारा रेवेन्यू जो है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो किसके पास जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के पास। इज इट क्लियर। बट इन जीएसटी क्या होगा, ये वाला सेल करेगा इसको, यानी दिल्ली वाले ने सेल करी हरियाणा वाले को। ठीक है, तो सारा का सारा रेवेन्यू किसके पास जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट वाले को, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसको चला जाएगा, क्योंकि ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। यानी जहाँ पे गुड्स कंज्यूम होंगे जाके, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होंगे, उसी स्टेट की गवर्नमेंट को पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है, न्यू फीचर आता है, वो आता है एंटी प्रॉफिटियरिंग। और ये एक ऐसा फीचर है जो कि नया लाया गया है किसी भी एक्ट में, मतलब पहली बार देखने को मिला है। ये क्या है, वो कहते हैं कि किसी भी वजह से आपकी गुड्स हैं या आपकी सर्विसेज हैं, उनमें चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया, मतलब उनका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया, तो आपको उस प्राइस का जो रिडक्शन होगा ना, किसकी वजह से हुआ, अच्छा बताओ, सपोज इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से हुआ, जो जीएसटी है उसकी वजह से हुआ,
तो आपको पूरा का पूरा जो भी मतलब हमें क्रेडिट मिलेगा, जो फायदा होगा, वो पूरा का पूरा फायदा आपको कंज्यूमर को ट्रांसफर करना है। ऐसा ना करो कि अपना प्रॉफिट बढ़ा लो उससे। तो इट इज एन एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर। ऑब्वियसली लिटिगेशन होंगे, डिस्कस भी होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, बट एक नया पॉइंट है तो हमें पता होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है कि हमने क्या करा, सप्लाई करे गुड्स और सर्विसेज विदाउट अ कंसिडरेशन, तो वो भी हमारा जीएसटी में कवर होगा। लेकिन जो भी सर्विसेज या गुड्स जो भी है, वो जो हमें बताए गए हैं शेड्यूल वन में, तो वो ही हम कंसिडर करेंगे जीएसटी में, यानी उन पे भी जीएसटी हमारा लगेगा। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। एक पॉइंट हमारा कौन सा रह जाता है, हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ सप्लाई। सेल्फ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा देखो, मैं ना अभी आपको आर्टिकल जब 366 बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई क्या बताया गया है। तो उसमें ना कभी भी वर्ड यूज नहीं किया गया होगा फॉर अ कंसिडरेशन। मैं आपको बताऊंगा, आप देखिएगा वो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं डिस्कस करूंगा उसको। तो उसमें वर्ड यूज ही नहीं किया गया है फॉर अ कंसिडरेशन। यानी अगर मैं एक पर्सन हूँ जिसकी फैक्ट्री सपोज गाजियाबाद में है, और मैं अपनी गाजियाबाद की दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं कंसिडरेशन तो चार्ज नहीं करूंगा, तो वो भी कवर किस में हो जाएगा, जीएसटी में कवर हो जाएगा। यानी सेल्फ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर जीएसटी। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो यही थे फ्रेंड्स हमारे जीएसटी के कुछ न्यू फीचर्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमें एक लाइक दे दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोज बनाने के लिए आपके लिए, और मैं रोज आपके लिए न्यू वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करेंगे तो आप पर रोज न्यू नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूंगा या अपलोड करूंगा। आई होप अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड बाय।